नमस्कार दर्शकों, को स्वागत है आपका बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। और इस समय आपके साथ में मैं दिव्या अटवाल और आप सभी लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। उपचुनाव के परिणाम यानी कि घोषणा होने से पहले प्रदेश की सियासत में लगातार घमासान जारी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यह घमासान उपचुनाव की घोषणा से शुरू हुआ है, जिसके बाद में अभी तक जुबानी जंग चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाल ही में एक बड़ा बयान हमारे सामने आया है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ अधिकारियों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही कमिश्नर को कहा जा रहा है कि दंगा करा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे कामयाब नहीं होंगे। जी हां, इस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाल ही में कमलनाथ पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी हुआ है। क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए देखें इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के मित्र हताश हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में प्रकट हो रही है। अब कल मुरैना में जो कुछ हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, कमिश्नर को अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है, यहां से स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा, और कमिश्नर को यह कहा जा रहा है कि दंगे करा देंगे, दंगे हो जाएंगे। यह कांग्रेस की मानसिकता का प्रकटीकरण हो रहा है, यह उनकी हताशा बोल रही है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हमने भी विनम्रता के साथ 2018 में पराजय स्वीकार की थी, लेकिन हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही, दबाने की कोशिश हो रही, कुचलने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी।